हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग 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 फ्रॉम बैडमिंटन। अरे आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं तो अपने ऑफिस जा रही हूँ। मैं तो वैसे ही, मैं कहा चल मुझे छोड़ने जा रहे हैं, छोटी बेबी हूँ ना। नहीं, आई एम जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द बस स्टॉप। बस में चढ़ जाएगी एंड देन आई विल कम बैक। हाँ, ये इंश्योर की चढ़ गई है बस में, वापस नहीं आएगी। नहीं नहीं नहीं, राइट? इसलिए मेरे पीछे पीछे चलते आ रहे हैं। देखो, आई हैव जस्ट कम एज अ बैकअप प्लान कि बाय चांस जो है मिस हो जाती है तो मैं इसको मैं इंश्योर करके आऊं कि ये पहुंच गई अपनी जगह पे जहां जाना था इसको। अबे इसको 9 बजे पहुंचना है, ठीक है? तो मैं ये देखने आ रहा हूँ भाई, अगर बस नहीं मिली है तो मैं तो गाड़ी से इसको सेंचुरी पार्क, मतलब जो स्टेशन है हमारा LRT, वहाँ तक छोड़ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो पर मैं चली जाऊंगी यार। तुमने लेकिन एकदम से वीडियो ऑन कर दिया है और मैं सिर्फ बनियान जैसी टी शर्ट के अंदर। तो क्या हो गया फिर? क्या सूट पहन के निकलते सुबह सुबह? ऐसी है, मैंने जबरदस्ती जैकेट पहन ली है, वापस ले जाओ जैकेट। नहीं नहीं, ठंड है यार। नहीं, मौसम ठीक है यार। पहली मैं तेरे को बता रहा हूँ, हवा लगेगी। ये जबरदस्ती, मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरे को पिना के स्वेटर पहन, ये पहन, खुद कुछ नहीं, खुद शर्ट में जाएंगे जूते भाई। और इस धूप में मत जाओ, ये जो धूप निकली हुई है भाई, धोखा है ये। हाँ ये तो है, अभी बारिश का सीन है तो इसलिए फिर मैंने ये रेन जैकेट पहन का चल पहन लिया। चलो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस, फिर ये निकलेंगे, फिर ये शाम को आएंगे सर लेने मुझे। हाँ जी, लेने आऊँगा सर, शाम को लेने आएंगे क्योंकि इनका और मेरा टाइम मैच कर रहा है शाम को आने का। आज का और कल का है ना? आज का और कल का, तो ये लेने आ जाएंगे मुझे। It's windy and it's very, देखो बादल, देखो ऊपर पर बादल, देखो खूबसूरत। ओए होए होए, जब भी उठ के सुबह, मतलब अपनी खिड़की खोलो, कर्टन हटाओ, मन खुश हो जाता है। इतना मौसम, सब चीज़ इतनी खूबसूरत होती है। बाहर देखो नज़ारा, स्कूल बस जा रही है, नज़ारा देखो जैसे स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं। सीरियसली, बाइक भी, स्कूटर भी चलाने लगे लोग समर से, ये बाइक स्कूटर सब निकल आते हैं। देख रहे हो बस आई है मेरी यहाँ। यार वहाँ भी आ सकती थी बस तो, वैसे ऐसा लग रहा है कि मैं ना किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए निकल गई हूँ। ब्यूटीफुल है सही यार। आज ना यही है हमारा डेली रूटीन, रूटीन हमारा यही है, निकलना चलना घर, उसको ऑफिस घर। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है कि नहीं ये नहीं पता, और हाँ व्हाट इज आवर डेली रूटीन ये इस ब्लॉग के अंदर शायद हम आपको बताएंगे। तो यही है, मैं जा रही हूँ ऑफिस, घर सारा सेट कर आई हूँ, बच्चों को सब कुछ बताया आई हूँ क्योंकि दोनों छुट्टी पे हैं। आज उनको स्कूल नहीं जाना है, थर्सडे तक इनका लॉन्ग वीकेंड है, तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं घर पे। उनका सब खाना वाना सब रेडी है, बस उनको गर्म करना और खाना है। और मैं अपना लंच बॉक्स ले आई हूँ, कालरा साहब का बना के रखाई हूँ। कालरा साहब ने बस खाना और निकलना है, इनसे वो भी नहीं होता, इनको वो भी 10 बार समझाना पड़ता है। और बता देना, वो 3 डब्बियों के अंदर बच्चों के अलग अलग बादाम काजू वगैरह सब डाल के आई तो वो रख के तुम्हारे लिए भी रख के आई हूँ। मुझे मालूम है, तो वो खा लेना, वो ये रखे ना रह जाए वहीं पे, उन्हें भी याद दिला देना और तुम भी खा लेना। चले जी पहुँचते हैं ऑफिस, बस आने वाली है। लो जी बस आ गई अपनी, अपा चल लिए। ओके सर जी, बाय बाय। हाँ जी, मैं बस स्टॉप पे उतर गई हूँ, अब यहाँ से लेंगे LRT। आपको दिखाते हैं आज मैं LRT में कैसे जाती हूँ। गूगल मैप पे मैं टाइप कर लेती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, फिर वो सारा रास्ता दिखा देता है। तो अब मैं LRT लूँगी यहाँ से, बस स्टेशन पर उतर के। ये बस सेंटर स्टेशन है, बस स्टेशन, तो यहाँ से मैं लूँगी LRT जो कि यहाँ की मेट्रो होती है, जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है ऐसे यहाँ पे LRT चलती है, लाइट ट्रेन रेल, लाइट रेल ट्रेन। LRT का कोई टेंशन नहीं है, वो
हर 15 मिनट 10 मिनट में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी दोबारा। ये देखा आपने, सारे होमलेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, ज़्यादा दिखा नहीं सकते, नहीं तो आ जाएंगे मेरे से लड़ने। ये सारे इधर ही स्टेशन पे पड़े रहते हैं, अभी थोड़ी देर में कुछ गाना पर बजाएंगे, खान अपने खाने पीने के इंतजाम करेंगे, लोगों से भीख मांगेंगे, यही करते हैं इन। ये जहाँ दिखे ना बस फटाफट निकल लो वहाँ से, वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। खड़ी हुई थी अलर्टी तो मैं चढ़ गई उसमें, साथ साथ अपना रूट देखती रहूँगी और आपसे बात भी करती रहूँगी। खूबसूरत नज़ारे एलआरटी से देखते हुए चलेंगे। दूर की साइट मिली है इस बारी मुझे, पूरे 2.5 घंटे लगेंगे मुझे पहुंचने में। स्टेशन सब थोड़े सिक्योर हो गए हैं, देखो सिक्योरिटी गार्ड हर जगह खड़े होते हैं, तो सही है। अब एक बस और लेनी है मुझे, उसके बाद 2-3 मिनट की वॉक है, मैं मेरा बैंक आ जाएगा। आज बैंक में शिफ्ट लगी है मेरी, बस मिस हो गई मेरी यहाँ से, क्योंकि मैं दूसरे टर्मिनल पे चली गई थी। कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा ना पहली बार में, पर मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो दूसरी साइड है, तो मैं दूसरी साइड आ गई। फिर यहाँ पे ऐसे ना ये पूरा बस टर्मिनल है, यहाँ पे आके बसेस आती हैं, और ये बस स्टैंड के नाम होते हैं यहाँ पे, इसे ये बे बोलते हैं इनको, बे एम है, ये एम वो एल है, तो ये इस तरीके से स्टेशन होते हैं, सॉरी बस स्टैंड होते हैं, जहाँ पे जो जहाँ आपको जाना है वहाँ की बस, वही बस आएगी जो उस स्टैंड पे लिखा हुआ है बोर्ड पे 104, तो यहाँ 104 ही रुकेगी और वही आएगी, उसके अलावा कोई और बस नहीं आएगी। अभी 8:38 हुए हैं और 8:57 पे बस है, मैं 5-7 मिनट लेट हो गई पहुँचने में। चलो कोई बात नहीं, चलता है इतना, तो बोल दूंगी बस में लेट हो गई, पर मुझे 9 बजे पहुंचना था, पहुंच जाऊंगी वैसे मैं, 3-4 मिनट लेट होंगी, क्या कर सकते हैं यार, फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ मैं, और ये दूर है बहुत, नॉर्थ साइड है, और 1.5-2 घंटे मुझे लग गए ट्रैवल में। शाम को तो राहुल आ जाएंगे, तो देखो गाड़ी से तो 1/2 घंटा ही है, पर बस और LRT से पूरा 1.5-2 घंटे लग गए मुझे। और कहीं पे आप गलत उतर गए, गलत चले गए, तो और 15-20 मिनट खा जाते हैं। कोई नहीं, काम है तो करना ही है, अब जो शिफ्ट मिलती है उठा लेते हैं, वो बोल देती हूँ हाँ, नहीं तो फिर काम मिलना मुश्किल है। चलो कोई नहीं, शाम को राहुल ले, 2 दिन तो मैं आ जाऊँगी, वो ले आएंगे मुझे, बाकी दिन देखेंगे, 2 दिन और मुझे जाना पड़ेगा अपने आप को, कोई बात नहीं कर लेंगे। अब समझ आ गया कहाँ से क्या लेना है, कैसे बस पकड़नी है। इनकी एक इनका ट्रांजिट करके एक ऐप होता है, वो मुझे इतना कंफ्यूजिंग लगता है, मुझे उससे तो कभी समझ ही नहीं आता कैसे जाना है, पर मैं हमेशा गूगल मैप को इस्तेमाल करती हूँ। मुझे जहाँ जाना होता है मैं गूगल मैप पे एड्रेस डालती हूँ, और वो सारी बसेस का ट्रैवल टाइम और जितनी भी बसेस आपको उस जर्नी में मिलेगी वो बताते हैं आपको, उस पर सारा डिटेल आ जाती है गूगल मैप पे, और बस से कितना टाइम लगेगा, गाड़ी से कितना लगेगा, पैदल कितना लगेगा, सब बता देते हैं, जैसे अपना इंडिया में भी होते हैं मैप गूगल मैप पे, बिल्कुल उसी तरीके से। चलो आप बस का वेट कर रहे हैं, और ये 2-3 मिनट पहले LRT से आने मुझे बड़ा डर लगता था, देखो ये सारे जो कि ये
सब वेप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ना एलआरटी से आने से थोड़ा सा कतराती हूँ, बसेस प्रेफर करती हूँ। पर आजकल मैंने नोटिस किया है कि जब से दो चार इंसिडेंट हुए हैं एलआरटी स्टेशन पे, आपने सुने ही होंगे, नहीं होंगे भी आगे, तो तब से यहाँ पे एलआरटी स्टेशन पे ना काफ़ी सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े होते हैं और पीस ऑफिसर भी होते हैं। पीस ऑफिसर के पास गन लाइसेंस होता है, गन होती है उनके पास, तो थोड़ा सिक्योर लगता है मुझे। बाकी पता नहीं, हर टाइम तो वो लोग भी शायद नहीं होते, पर हाँ थोड़ा सिक्योर तो हो गया है ये, मतलब सिक्योरिटी को लेके, तो इट्स ओके, ठीक है। और मुझे पहले से बेहतर लग रहे हैं बस ये एलआरटी स्टेशन ना, सर्दियों में तो बहुत बुरा हाल देखा मैंने एलआरटी स्टेशन में, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है। स्पेशली द नॉर्थ साइड, स्पेशली नॉर्थ साइड बहुत बुरा हाल है, बहुत होमलेस पीपल हैं यहाँ पे। पहुँच गए मैं बस स्टॉप पे, उतरते ही सामने दिख रहा है मुझे बैंक CIBC। पहुँच गई मैं टाइम पे, पहुँच गई 9:01 पे पहुँच गई, 1-2 मिनट मैं लेट हूँ, वो कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक तो 9:30 बजे खुलने वाला है, पर मेरी शिफ्ट ड्यूटी स्टार्ट टाइम था 9 बजे, तो बस मैं पहुँच गई। दिख रहा है सामने पूरा बैंक CIBC, मेरे बैंक के सामने ही कॉस्को है। वाह, शाम को काला सब लेने आएंगे तो कॉस्को में गेड़ी मार के आएंगे। गाइस अंदर जाके अब पता नहीं, वीडियो नहीं बन पाएगा शायद, तो मैं आपसे लंच टाइम में मिलूंगी, तब तक काला साहब क्या कह रहे हैं वो सुन लो। ओके, तो शैली को छोड़ के मैं घर आ चुका हूँ, राइट, एंड थोड़ा सा घर बिखरा हुआ है, मेरे को थोड़ा सा क्लीन करना है ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर शैली पूरा हिसाब किताब बना के गई हुई है। ये आप देख रहे हो, तीन टावर बने हुए हैं, तीन लंच बॉक्स, इसमें तीनों के नट्स डले हुए हैं अलग अलग। मेरा बैग फॉर द लंच इज ऑलरेडी रेडी, और बच्चों का भी कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट और ये सब चीजें शैली जो है वो रेडी करके गई हुई है। मुझे सिर्फ अपना लंच पिक करना और निकलना है, और बाकी छोटा मोटा तो महिम बना ही लेता है, इतना शैली ने उसको ट्रेन कर दिया, एंड थैंकफुली शी ट्रेन हिम वेरी गुड। ठीक है, कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स करता है, पर कर लेता है, और हैविश उसको पूरा कंट्रीब्यूट करता है, सिर्फ खाने के अंदर, बनाने के अंदर नहीं, तो उसको जो चाहिए होता है वो ऑर्डर मार देता है उसको, और वैसे लड़ते रहेंगे, वैसे नहीं बनेगी, और वैसे जब खाना होगा तो उसको जाके बोलेगा जैसे उसने रेस्टोरेंट खोल रखा है मैंडी ने, बट यही है भाई, क्या करे। देखो जी, रेडी हो गया हूँ मैं पूरा भाई, डॉक्टर के वहां पर जाना है मुझे क्लिनिक पे, एंड आई हैव टू सपोर्ट हिम, आज वॉलमार्ट की छुट्टी है, एंड आप देख रहे हो मैंडी ने मुझे परफेक्ट ब्रेकफास्ट बना दिया है, एंड बस मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर आई विल लीव। सो ये आई एम सॉरी अगर पूरा हावी रहा है कि नहीं, या सो नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं काम के ऊपर। लो जी, गाड़ी में आ गए हम और ऑफिस जाने की तैयारी है। आई एम स्टार्टिंग टू गो टू द वर्क, एंड गड्डी हो गई है स्टार्ट। इधर से मेरा 10-12 मिनट्स का ड्राइव है टू गो टू द डॉक्टर, एंड वहां पर मेरा जो काम, मैंने जैसे आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और एंड स्टफ लाइक दैट, तो मुझे कुछ पेपर्स वहां से उठाने हैं, और मुझे डॉक्टर साहब के लॉयर को डिलीवर करके आने हैं। दो लोग वहां पर उनका वन ऑफ दी वेकेंट अपार्टमेंट्स देखने आ रहे हैं, उनकी बिल्डिंग के अंदर है जो, और वो मुझे उनको शोकेस करना है, और उसके बाद देन आई यू नो कम बैक एंड रिपोर्ट एवरीथिंग टू द डॉक्टर, इन केस वो उनमें से किसी को अगर पसंद आता है देन वील गो अहेड विद द लीज, बट बिफोर दैट डॉक्टर साहब को मिलना होता है जिसको भी वो रेंट के ऊपर मकान को दे रहे होते हैं, सो आई हैव टू अरेंज फॉर दैट मीटिंग एज वेल। उसके बाद क्योंकि आज वॉलमार्ट की छुट्टी है, तो आई स्पेंड नॉट 4 but probably 6 hours विद द डॉक्टर, एंड देन ऑन माई वे बैक प्रॉब्ली अगर समय हुआ
तो मैं शैली को डायरेक्टली पिक करके आऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो पहले मैं घर आऊंगा, फिर वहां से आई गो एंड पिकअप शैली जब उसकी शिफ्ट खत्म होगी, क्योंकि उसकी शिफ्ट आज 5:30 बजे खत्म हो जाएगी जहां पर भी वो बैंकिंग साइट पे गई है। तो ये है जी, शुरुआत है आज के दिन की, और चलते हैं काम के ऊपर। सो गाइस, पहुंच गए मैं, ये एरिया है अपना किचन वगैरह, यहाँ मैंने अपना बैग रख दिया, अब आप लंच में मिलेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम चले अब अपनी नौकरी खत्म करके, ड्यूटी खत्म करके, एंड शैली के पास मैं वो यहां से 24 मिनट दिखा रहा है रास्ता, एंड आई विल जस्ट गो एंड पिक हर अप, और जब तक मैं वहां पहुंचूंगा उसकी शिफ्ट खत्म हो जाएगी। तो अभी 5 बजे हैं, 5:24:25 दिखा रहा है इसके अंदर, और 5:30 बजे तक उसकी शिफ्ट एंड होगी। सो लेट्स गो एंड पिक शैली। मुझे लेने आए हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे थे? मैं ढूंढ रहा था तुझे, और मैं कब से वेट कर रही हूँ इधर। वाह, और क्योंकि क्योंकि तूने कहा था CIBC, अब CIBC के सामने कॉस्को है ना, तो मुझे तो हम चले गए आइसक्रीम खाने। तो मैं चली गई आइसक्रीम खाने। यार ये तो बनती है कॉस्को की, सीरियसली यार, ये देख रहे हो, पता है मैंने दोपहर में क्यों नहीं लिया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ना इतना बड़ा कप बनाते हैं, ये $3.5 का है, मतलब इसमें तो चॉकलेट टॉपिंग है एंड स्वर्ल है चॉकलेट मिक्स, वनीला। खाओ आराम से, और क्या। आओ, इट्स ऑसम ऑसम, कॉस्को की फ्राइज और कॉस्को की आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, नेक्स्ट लेवल। अब तेरी यहाँ पर 4 दिन तेरी जो है ड्यूटी है, और सामने कॉस्को है, तो तू इसी में घुस के, मैं कल ना कॉस्को की लिस्ट बना के लाऊंगी। अब मेरे को ये टेंशन है कि भैया बीच में ना मेरे को यार पता है लंच टाइम में मैं टाइम क्योंकि सब लोग वहीं बैठ के लंच कर रहे थे, तो मेरे को लगा नहीं कि ये बनाना चाहिए वीडियो, अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं लंच टाइम में 10 मिनट के लिए कॉस्को आ गई थी, देख गई सब कुछ, 10 मिनट में मैंने सब नजर मार ली, सब नाप लिया आपने, सब फील्डिंग कर ली होगी सेट, मैं कोई पैंट जो मेरे को ट्राउजर्स चाहिए थी वो आ गई होगी, तो मैं उठा लूंगी ले लूंगी, पर वो ट्राउजर्स थी नहीं, वो नहीं मिलेगी अब, वो लिमिटेड होता है कॉस्को में, यही होता है आओ और लूट लो, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो चलो काम करो, मिलता नहीं फिर दोबारा नहीं आता, बहुत मुश्किल से आता है। चलो आइसक्रीम एंजॉय करते हैं, घर चलते हैं, और क्या है भाई, मौसमी है जबरदस्त, धूप देख लो, खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिना गॉगल्स, बट द वेदर इज कूल, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं बहुत थक गई अब, वैसे आज मेरे स्टेप्स पता है कितने हुए, आई थिंक 6000 से तो ऊपर ही हुए हैं, क्योंकि ना ये बैंक वाले शिफ्ट में क्या होता है ज़्यादा चलने का काम नहीं है, पर फिर भी मैं ना चलती रहती हूँ, वॉक करती रहती हूँ, नहीं तो, और जितने स्टेप्स बनाए हैं उतने ये खा उतने के पूरे कर लेती हूँ मैं, खत्म हो गए, और जितने पैसे हम कमा रहे हैं वो हम कॉस्को के अंदर पूरे कर, हाँ जी हाँ, बेकार की बात, ये सारे पैसे कॉस्को में दे के आ रहे हैं रोज, आए है आए है। अभी जो 2-4 दिन तेरी जो ड्यूटी लगी है ना, यही टेंशन है कि भैया कॉस्को के सामने क्यों लगाई है, फिर बताओ क्या करूं। चलो 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 चले जी घर चले, औलाद भी हमारी घूम रही है पीछे से खूब, हाँ, जा रहे वहाँ जा रहे हैं, छापा मारे। छापा क्या मारना है, हाँ। पहुंच गए दोनों घर, मैं पहुंच वेट कर रहे होंगे उसको, खाना हम बना के आए, हम तो सब काम अपना करके आते हैं सर, खाना हम बना के आए, चिकन टिक्का मसाला हमारा बना हुआ है मस्त, नान सेकेंगे और बस हो गया। यार आज ये वाली ट्राउजर जो मेरे को इतनी टाइट हुआ करती थी, सच बता रहा हूँ मैं, मतलब ये ना ये मैंने पहननी छोड़ दी थी इंडिया के अंदर, क्योंकि ये टाइट होने की वजह से ऊंची हो गई थी, ऊंची हो जाती थी, हाँ। यार आज ना सही आ रही है, आज मुझे ऊपर खींचनी पड़ रही है, आई ये देख रहे हो मेरी बेल्ट, ये देख रहे हो मेरी बेल्ट, ये बेल्ट का लास्ट वाला होल जो है ना उसके अंदर मैंने बेल्ट डाली है, एंड आफ्टर दैट दिखाओ अपनी बेल्ट, मतलब मेरी बेल्ट लास्ट वाले होल में डाली है, कितनी ढीली, इतनी ढीली, ओह तो बहुत ढीली हो रही है, इसको ठीक कराना पड़ेगा। अरे पैंट मेरी ऐसी हो रही है, नीचे हो रही है, मतलब पर ये इतने कंजूस आदमी है, इसी को पहने जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ एक बेल्ट ले लो,
लेंगे नहीं बेल्ट। सही है भाई, मेरी पैंट, मेरी पैंट सही है, सही है। हाँ बस ठीक है, फिर निकल जाएगी किसी दिन नीचे, हम क्या करें। चलो ठीक है जी, मेरी आइसक्रीम सारी यही निपटा रहे हैं, मैं भी खाऊंगी, तो अब चलते हैं घर। खाली आइसक्रीम चले खाऊ, मजाक लग रहा है। तो देखो देखो, दिखाओ मेरे स्टेप्स, देखो दिखाओ जी, दिख रहे 7,382 स्टेप्स है। मतलब तू इतना चल दी कि तेरे को ये भी नहीं पता कहाँ, मतलब हाँ, कितने मैंने कब, मेरे को लगा 6,000 तक हुए होंगे, 7,382। तो फिर मतलब एक आइसक्रीम और खा ले कि घर जाके टिक्के विक्के बना के खाए कुछ। अब टिक्के खाएंगे है ना, चिकन टिक्का, इतनी मेहनत, इतना चलना फिरना, अब खाना तो चाहिए ना यार। वी हैव ऑलरेडी अर्नड इट। हाँ यार, पता क्या है, इतने टेस्टी लगे ना गोभी के परांठे बना के लिए, कसम से यार, हरी मिर्च के अचार के साथ तो। अरे यार आपका हाथ आ रहा है, सॉरी। वीडियो ठीक से बनाया करे प्लीज। अबे तो, तेरे इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो बाकी ब्लॉगर भी तो हमारे ही जैसे हैं। ये नया डायलॉग है, देख ले, ये नया डायलॉग है। तेरे इसी बात के पैसे हैं, नहीं तो बाकी ब्लॉगर भी तो तेरे ही जैसे हैं। क्या मतलब क्या है तुम्हारा तेरे जैसे हैं? मतलब कहने का मतलब ये है कि इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो बाकी भी तो हमारे ही जैसे हैं। घुमाने वाला गोलमोल डायलॉग है ये। इसका मतलब ये है कि इसी बात के तो पैसे हैं। हाँ इसी बात के पैसे, नहीं तो बाकी सब भी तो अपने जैसे हैं। नहीं तो बाकी भी तो हमारे ही जैसे हैं। तो भावना को समझो, भावना को समझ गए। हाँ चले जी, लेट्स गो। ठीक है जी, लेट्स सेट गो। ओके, दूसरा घर। हाँ ये दूसरा नहीं, तीसरा ही है, क्योंकि पहला तो, दूसरा तो कॉस्को है तेरा, बल्कि वो पहला है हमारा जो घर वाला घर है ना, वो दूसरा है। अब ये बता दे मुझे कि हमने सिर्फ नान लेने हैं, कैमरे में बोल, तूने क्या बोला अभी गाड़ी से उतरते हुए? कुछ नहीं बोला मैंने, बोला तो है ही है कुछ। तूने 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 ये बोला है कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी, लेकिन मैं साथ चलूंगी, मैं साथ चलती हूँ, अंदर एक पैकेट थाना है, पर मैं कुछ भी नहीं लूंगी, कुछ लेना होगा ना तो भी नहीं लूंगी। ठीक है, ये कैमरे में बोल दिया, देख लो जी सारे। हाँ जी शैली जी, ले आयो नान। बिल्कुल ले आए, आप देख लो। और एक ये रहा, एक ही लिया, और एक वो ऑफ कोर्स ग्लासेस और टी एंड स्टफ कभी-कभी कैरी करने पड़ते हैं। वॉलमार्ट वालों की जो एसटीसी फेर के आया, वो क्या करके आया यार? मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है, ये ना ये पॉलिसी है। अब आप वॉलमार्ट के अंदर जैसे आपकी कोई चीज़ लगी हुई है, राइट, आपका प्राइस लगा हुआ है और वो प्राइस गलत है। फॉर एग्जांपल ये नान जो है वो $9 के हैं एक पैकेट, वहाँ लगा हुआ था 327, हमें लगा भाई कि दिस इज़ ऑन अ रोल ऑफ प्राइस। हमने फटाफट दो पैकेट उठा लिए, हमने कहा उठाओ जी स्टॉक करो फटाफट। तो जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने बोला नहीं जी $9, मैंने कहा भाई वहाँ पर तो लगा हुआ है। सो शी सेंट बैक का रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएट जो था, उसने जाके वहाँ फोटो क्लिक की, उसने लाके दिखाया भाई गलत लगा हुआ था टैग, प्राइस गलत लगा हुआ था। तो वो क्या करते हैं, वो उस प्राइस को ऑनर करते हैं, और अगर वो $10 से कम है आपकी आइटम, और वो अगर आपने उसको लगाया हुआ है गलत टैग लगाया हुआ है, तो वो आपको फ्री देंगे, फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक पैकेट के भरे पैसे और एक 327 में लिए। नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, एक पैकेट के नहीं भरे हमने। तो वो जो कह रही है, एक पैकेट फ्री लिया है, लेकिन दूसरे पैकेट के हमने 327 भरे हैं $9 की जगह। तो मैंने और क्या बोला सर? तूने बोला एक पैकेट के पैसे भरे हैं, तो वो तो ये समझेंगे $9 भरे हैं। नहीं, मैंने बोला एक पैकेट हमने फ्री लिया है, मैंने ऐसा बोला क्या? एक पैकेट के पैसे भरे हैं, ठीक है। हाँ देखो, डेटा सबका बेटा होता है, तो ठीक है, तो अंडर हो गया। तो हमने एक पैकेट के भरे हैं 327, और एक पैकेट के भरे हैं जीरो फ्री। तो दिखाओ, बिल दिखाओ, लोगों को यकीन आना चाहिए यार। हाँ जी, सामान रख दो गाड़ी में, फिर दिखाओ बिल आराम से, क्योंकि वो होल्ड नहीं करे जा रहे। तो ये देख लो, $9.54 भरे हैं मैंने दो पैकेट नानो के, और एक जीरो दिख रहा होगा आपको। वो हाँ, वो जीरो दिख रहा है, जीरो फ्री हुआ है वो। $9.54, इसमें वो कप्स भी हैं, 100 कप भी हैं मिला के। हाँ हाँ, टोटल। तो हमें नान जो है ना दो पैकेट $3.27 की पड़े हैं। हाँ ठीक है, 327 से कम नहीं।
रोज तीन तीन नान खा लो तो गम नहीं। हाँ। पेट तो अपना ही है सर, जब बांध लोगे साथ में हद हो गई तुम्हारी। भाई ऐसा है, भूख लग रही है, गार्लिक नान खाने चलो फटाफट। चलो चलो, ये घर के सामने वाला ही पार्क है, बच्चे यहीं खेल रहे हैं। वो आ गया माइम, चाबी इसके पास है, इससे चाबी लेके फिर जाएंगे। क्या खेल रहे भैया? बेसबॉल। बेसबॉल का बल्ला लेके आ रहा है, बेसबॉल खेल रहा है। भाई हमने कुछ नहीं किया। भाई साहब हमने कुछ नहीं किया। आप बेसबॉल का बल्ला लेके आ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? चाबी इसमें। ठीक, ब्लैक बॉक्स। तो भाई घर आने का मन नहीं है अभी, खाना वाना खाने का। भाई, 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 भाई हमने कुछ नहीं किया, तू ऐसे क्यों दिखा रहा है हमें? हाँ, मेरे को सुबह जल्दी जाना है, जल्दी घर वापस। ठीक है, खाना वाना करके मैं सोऊंगी फिर टाइम से। और इन सबको समझा दो कि इनको लग रहा होगा कि अभी तो दिन चढ़ा हुआ है पूरा। भाई साहब 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, घर चलो, आ जा फटाफट। गाड़ी देख लो यार, ये गाड़ी बड़ी सही लगती है। कलर समर में कलर है, इतना प्यारा लगता है, येलो समर कलर है पूरा। ओह वाह वाह, क्या गाड़ी है, शेवी है। अब हमको एक कट करना पड़ेगा सर, आपने गाली बक दी। व्हाट इज दिस सर, क्या डाल दूं उसमें? बीप 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 बीप। अगर तो वहां से छूटेगा तो कुछ तो निकलेगा ना मुंह से। चुकर ना, पैकेट नहीं फटा, ये तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। फिर ज्यादा बीप 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 डालनी पड़ती, राइट? हाँ जी सर। यस प्लीज। अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची अब। सुबह 5 बजे से उठी हूँ मैं, तो बच्चों को तो पता नहीं वो कब आएंगे, आने से भी वो मना कर दिया उन्होंने, मुकर गए ऐसे बदमाश। खेलने में इतना मजा आ रहा, सारे दोस्त आए हुए उनके, तो इसलिए मैं कहा चल ठीक है, एंजॉय करो। दे रनिंग अराउंड, दे प्लेइंग, व्हिच मेक्स मी वेरी हैप्पी, मेक्स शेली आल्सो वेरी हैप्पी, दे आर एक्सरसाइजिंग अ लॉट। द बेस्ट पार्ट इज हैविश 20 मिनट यहां से पैदल चल के स्कूल जाता है, वर्सेस बाहर से, घर से बाहर से निकलती बस पकड़ने के। हाँ, के बजाय उसको इतना एंजॉय करता है वो। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब ही एंजॉयज वॉकिंग। अच्छा एक बार वीडियो में बता, अभी हैविश मैंडी का फोन आया था कि मैं कई बार जा रहा हूँ, तो तूने किस तरीके से मना किया उसे? सच्ची सच्ची बता दे एक बार वीडियो पे। यार पता ही, ये तो 2 बजे से निकले हुए हैं घर से, और अभी मुझे फोन करके पता क्या कह रहा है कि मम्मी सर्कल के जा सकते हैं हम, सर्कल के यहाँ पे एक स्टोर है, उसके अंदर वो आइस लेमोनेड वगैरह और वो फ्रोजन बोला क्या फिर आगे से मिलते हैं, तो इनको कहकर वो पी के आते हैं। मैंने कहा घर आ जाए, मैं छेद दूंगी वही आके। ये निकला यूपी, ये निकला यूपी। वो आ गया। तो 1 मिनट में आ गए भाई साहब, सामने से जाते हुए देख लिए मैंने। हाँ, तो, आ गए। हाँ, कर आ रहा हूँ। एंड आई वांट टू टेक नेम ऑफ सिमरन जी, उन्होंने, उनकी बेटी का चैनल है फनी क्वीन हुनर। अच्छा। उन्होंने मेरे को कमेंट के अंदर बताया एंड अप्रिशिएटेड, एंड हम जरूर इसके ऊपर व्लॉग बनाएंगे कि किस तरीके से क्या हमारी पीआर स्टोरी है, और भी लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट किया है। तो टाइम नहीं मिल रहा, बस टाइम नहीं मिल रहा, और टाइम हो रहा है ना, तो राहुल और मेरा मैच नहीं कर रहा। एग्जैक्टली ये हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कर देते हैं उसी टाइम। क्योंकि देखो मैंने जो अभी जो नगर कीर्तन का बनाया वो अगले दिन ही अपलोड कर, क्योंकि हम दोनों साथ ही थे, वो अच्छे से बन गया, हो गया, थोड़ा डिस्कशन होता है ये भी, हाँ भाई ये कि देखो ये ठीक लग रहा है या क्या लग रहा है, वो सब होता है। तो आज मैंने तेरा 1.5 घंटा बचाया ना, जो तू आइसक्रीम में पेलती हुई आई है, तो बना ले फिर अभी। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है, आ गए दोनों। हाँ अभी तो सर्कल के भी जाने वाले। नहीं, मतलब तुझे घर नहीं आना है। आप सामने घर के निकलो। मैंने तुझे क्या बोला था फोन पे, जो तू सुन के वापस आया है फटाफट? एग्जैक्ट बता, मैंने तुझे क्या बोला फोन पे? छेद दूंगी पकड़। क्या बोला था? मैं छेद दूंगी पकड़। वही आके दोस्तों के सामने। हाँ, तो दोस्तों के सामने इतनी रिक्वेस्ट करवाते हो, इतनी रिक्वेस्ट करवाते हो बेटा, मैं बोल रही हूँ सुबह जल्दी निकलना है, घर आओ टाइम से, 2 बजे से खेल रहे हो, कम होता है क्या?
हाँ जी, एक कमेंट आया था जय हिंद के नाम से है, ऑफ कोर्स जय हिंद टू यू सर, मुझे आपका असली नाम नहीं पता, पर उन्होंने बोला है कि उनके बेटे ने 12वीं की है एंड कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और वो कनाडा में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, और ज्यादा जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ज्यादा स्कोप जो है पीआर का स्टूडेंट बन के अगर आओ तो अल्बर्टा के अंदर है, उन्होंने बोला है कि क्या वहां पर जॉब्स की अवेलेबिलिटी है और चीजें हैं, तो मैंने फटाफट से ये बताना चाहता हूँ ये वाले भाई साहब को, मतलब सर बच्चे को आप कनाडा भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो ऑफ कोर्स जब बच्चा यहाँ पर आएगा ना तो यहाँ के तौर तरीके अपने आप सीख जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, दिस कंट्री टीचेस यू ऑन इट्स ओन, आपका बच्चा खुद मेहनत करने वाला है ना अगर, और मैं आपको बता रहा हूँ जो मेहनत करने वाला ना इस कंट्री के अंदर भूखा नहीं मर सकता, मैं इतने सारे स्टूडेंट्स देखता हूँ यहाँ पर वॉलमार्ट के अंदर और ना जाने कितनी कितनी जगहों में, मैंने तो खुद वॉलमार्ट में काम किया है, अब यकीन नहीं मानोगे मेरा मैनेजर जो है ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, ही इज अ स्टूडेंट राइट एंड ही इज वर्किंग हार्ड एंड ही इज वर्किंग ऑसम, 18 साल के 19 साल के बच्चे ऐसे मतलब यहाँ पे सीख जाते हैं, आपको सिखा देंगे भाई, वो काम करते हैं और बहुत समझ आ जाती है उन्हें हर चीज की, आपको सिखा देंगे, मतलब सो स्मार्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल स्मार्ट हो जाते हैं, तो बेझिझक होके मतलब आप जो है बस गलत चीजों में ना जाएं, थोड़े यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये तो हर जगह एकदम से बच्चों को दिखता है कि फ्रीडम, तो वो उसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, तो वो आप अपने बच्चे को माइंड सेट करके और करके भेजें, क्योंकि है काफी चीजें यहाँ पे right. विच इज नॉट राइट फॉर kids. गाइस सबसे पहले तो शेरी एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू, वी हैव क्रॉस द 400 सब्सक्राइबर्स मार्क, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस, अवर फैमिली इज गेटिंग बिगर एंड यू गाइज आर अवर एक्सटेंडेड फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस सो मच. एक चीज मुझे कहनी है, वो ये कहनी है कि कविता जी के बच्चे, मुझे पता नहीं था कि दो बेटे नहीं है, एक बेटी एक बेटा है, मुझे पता था मतलब दो बच्चे हैं, हाँ दो बच्चे हैं भाई, दोनों बेटे, मेरे दिमाग में यही था कि दोनों बेटे हैं, तो सॉरी आरिफ और भव्या, लव यू गाइस, सॉरी हम भूल गए थे, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं थैंक यू सो मच, हम क्या सोच रहे हैं, दिल से बहुत बहुत थैंक यू, इन लोगों ने ना कुछ सवाल भी पूछे हैं, राइट, देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीआर एकेडमिक्स फॉर देयर चिल्ड्रन, और भी कई चीजें हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो हमने प्लान किया है कि हम एक क्वेश्चन आंसर व्लॉग बनाएंगे, इन सब क्वेश्चंस को हमने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, और आप लोग और क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज व्लॉग में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, व्लॉग में नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मैं बताइए कि आपको और क्या क्वेश्चन पूछे पीआर स्टोरी के अलावा, पीआर स्टोरी के लिए वो अलग से बनाएंगे, और मैं आपको ये बता दूं इसने तो बोल दिया फटाफट से दो दोनों की जुबान हिला के कमेंट कर देना कि क्या क्या सवाल है, उसकी रिसर्च सारी मैं करूंगा, नोट्स मैं बनाऊंगा और उसकी पीपीटी मैंने चलानी है, ठीक है, डेक मैं बनाऊंगा, तो मैं भी करती हूँ पूरा काम सर, आप थोड़ा बहुत करते हैं, अब तो तू तो लीडरशिप बनके सुनेगी ना बस, अब ऐसा है सर, अब हम ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, सर को तो बोलने के लिए मतलब कम पड़ जाएगी, ये 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, अबे तो उनको मैं फाइनली बस ये बोलना चाहता हूँ कि वेन यू जब आप ये भेजोगे हम ये इसके क्वेश्चन आंसर के व्लॉग्स बनाएंगे, और हो सकता है एक महीना आंसर कर पाए सारे, तो प्रॉब्ली वी माइट हैव टू गो थ्रू 2 व्लॉग्स, बट हम इसको जरूर करेंगे, आप कमेंट्स करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और एक्सप्लेन मैंने ही करना है, ये जो पीछे आके मतलब ठीक है एडिटिंग वेडिटिंग सारी यही करती है, मैं ये नहीं कह रहा क्रेडिट पूरा है, लेकिन बोलने के सारे पैसे मेरे ही हैं, यार क्रेडिट भी तेरा है भाई, हम भी तेरे हैं, ये देख लो मैं झूठ नहीं बोलती होती हूँ, मैंने जो किया मैं वही बोलती हूँ, ये देख लो चिकन टिक्का मसाला जो है रेडी है, मैं ऐसे ही नहीं हवा में बातें करती हूँ सर यार, और ये आते ही मैंने ना गर्म होने रख दिया था, पर बना तो मैं पहले ही चुकी थी इसको, तो इसके साथ चिकन टिक्के मसाले वाली, चिकन टिक्के मसाले, बाय बाय एंड शुभ खैर, फिर से मिलेंगे, और वेजिटेरियंस के लिए आई एम सॉरी बट वेजिटेरियंस के लिए मैंने पालक पनीर दिखाया एक बार ही, तो अब नॉन वेजिटेरियंस की बारी, पर प्लीज जैसे हमारी फैमिली 400 की हुई है वैसे ही 4,000, 40,000, 4,00,000 हो,
यही मैं सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश करता हूँ, और वो तभी हो सकती है जब आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें बिल्कुल ऐसे ही प्यार देते रहें, करते रहें, और बस कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन आंसर शेयर करें वो आपको चाहिए अगर ब्लॉग तो आप एक बारी क्वेश्चंस भी उसमें डालिएगा अपने कि क्या क्या होंगे, तो काला साहब पढ़ेंगे सब बैठ के और फिर निकालेंगे और ये लीडरशिप की तरह सुनेंगी और ज्ञान देंगी। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है काम करवाना और ढंग से हो रहा है कि नहीं ये देखना, ठीक है ना, तो वो हमारा काम है। तो ये जो एम्प्लॉय है, ये कहा था ना आपको पहले ही बोला था ना ब्लॉग में, इसके इसी बात के पैसे हैं, नहीं तो बाकी भी तो इन्हीं के जैसे हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए जी, बाय फॉर नाउ, बाय फ्रॉम एडमिंटन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।